Today we are discussing about how to install VM tools. So दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे कि VMware Workstation पर हम जब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं तो उस वर्चुअल मशीन में VMware टूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं. So दोस्तों सिंपली हम अपनी वर्चुअल मशीन को ओपन कर लेते हैं. तो दोस्तों हमने वर्चुअल मशीन को ओपन कर लिया है. दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारे वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट थोड़ा ओके नहीं लग रहा है. दोस्तों वर्चुअल मशीन VMware टूल्स का यूज क्यों किया जाता है. एक्चुअली वर्चुअल मशीन का जो मैनेजमेंट एंड सर्विसेज हैं वो यूजर फ्रेंडली हो सके इसलिए VMware टूल्स का यूज किया जाता है. और इससे जो है एक्सपीरियंस बेटर एक्सपीरियंस मिलता है इसका वर्चुअल मशीन का. सो VMware टूल्स से जो सर्विसेज रहती हैं इसकी VMware की वो यूजर बेटर तरीके से यूज कर सकता है. दोस्तों इसको VMware टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं. फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विनो विंडो प्लस ई ओके आफ्टर दैट ओपन फाइल एक्सप्लोरर ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक शोइंग और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक शोइंग और नॉट. तो दोस्तों यहां पर वीएम टूल्स शो नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना होगा. सिंपली हम यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों. सिंपली हमें अपना जो VMware वर्कस्टेशन है ओके वन सेकेंड ओके लेट्स ट्राई टू चेक ओके वन सेकेंड ओके. तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा VMware का एनवायरनमेंट है VMware वर्कस्टेशन है यहाँ पर जो हमें या तो यहाँ से VM ऑप्शन ये यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पर जाकर हम इंस्टॉल VM पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारी जो वर्चुअल मशीन अभी ओपन है विंडोज 8 इस पर हम क्लिक करते हैं. यहाँ पर हमें क्लिक करना है राइट क्लिक करना है देन क्लिक इंस्टॉल VMware टूल्स ओके. सो हम यहाँ पर इंस्टॉल VMware टूल्स पर क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट हमें एक मैसेज होगा VMware वर्कस्टेशन क्लिक इंस्टॉल टू कनेक्ट द VMware टूल्स इंस्टॉलर CD टू द वर्चुअल मशीन. सो आफ्टर दैट क्लिक ऑन इंस्टॉल ओके. सो आई थिंक इंस्टॉलिंग VMware टूल्स तो टॉप पर ओके. सो DVD ड्राइव डी VMware टूल्स ओके. सो आफ्टर दैट अब हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं. सो यह हमारे फाइल एक्सप्लोरर में इंसर्ट हो गई है वन सेकेंड लेट्स चेक ओके. सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं लेट्स चेक ओके. सो यहाँ पर जो हमें DVD शो होने लगी है सो सिंपली हम इस DVD पर डबल क्लिक करते हैं DVD आइकन पर ओके. आफ्टर दैट डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस टू दिस कंप्यूटर VMware टूल्स ओके यस आई वांट टू इंस्टॉल दिस VMware टूल्स ओके. आफ्टर दिस दैट VMware टूल इंस्टॉलेशन यू कैन चेक दिस वर्चुअल मशीन एनवायरमेंट सच लाइक दैट यूजर फ्रेंडली एंड शोइंग सम फीचर एंड सो VMware टूल्स सच गिविंग मैनी सर्विसेज एंड सम यूजर फ्रेंडली फीचर. सो VMware जब हम VMware वर्कस्टेशन का यूज करते हैं सो आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन. सो आफ्टर दैट इफ VMware टूल्स इंस्टॉलिंग सो सम फीचर इज कमिंग एंड सम सर्विसेज सो ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं. एंड दोस्तों जैसे ही है हमारा
वीएमवेयर टूल्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। यह हमें अभी स्मॉल स्क्रीन शो हो रही है, मतलब कि जो रेजुलेशन है इसका सब कम शो हो रहा है। और जैसे ही वीएमवेयर टूल्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा कि यह यूजर फ्रेंडली होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आपको आपको यूजर एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कर देगा, बढ़िया रेजुलेशन प्रोवाइड कर देगा। वो किस दोस्तों? तो एक्चुअली लोडिंग। ओके दोस्तों, सो लोडिंग हो रही है, तब तक के लिए। सो दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम वर्चुअल मशीन कैसे हम एक वर्चुअल मशीन और कैसे हम एक वर्चुअल मशीन और अनदर वर्चुअल मशीन एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये हमारी विंडोज 8 की वर्चुअल मशीन है और हम एक विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। क्या हम इन दो अलग-अलग वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट एक साथ करा पाते हैं? इसके अलावा हम यह भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्या हम विंडोज 8, 10 या 11 को विंडोज सर्वर के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं? ओके दोस्तों, सो प्रोसेस गोइंग ऑन प्रिपेयरिंग वीएमवेयर टूल्स फॉर इंस्टॉलेशन। सो हम वेट कर लेते हैं। एक्चुअली आपको दिखाना चाहते हैं कि आफ्टरनेट इंस्टॉलेशन कैसा इंटरफेस या एनवायरनमेंट शो होता है हमारा। ओके दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कंफर्म करा देता हूं कि आपको जो वीएमवेयर टूल्स का इंस्टॉलेशन कहां से करना है। तो देख सकते हैं, यहां पर आपको फाइल मेन्यू शो हो रहा है, एडिट व्यू एंड वीएम। ओके, सो यहां पर देख सकते हैं आप कि यहां पर पहले शो हो रहा था इंस्टॉल वीएमवेयर, आफ्टर दैट शोइंग कैंसल वीएमवेयर टूल्स इंस्टॉलेशन। एक्चुअली जो हमारा वीएमवेयर टूल्स का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वह रनिंग में है। सो यह यहाँ पर शो हो रहा है कैंसल वीएमवेयर टूल्स इंस्टॉलेशन। ओके, सो आफ्टर दैट चेक कर सकते हैं। वन सेकेंड। ओके, विंडोज इंस्टॉलर। ओके नाउ वेलकम वीएमवेयर टूल सेटअप। ओके, वेलकम टू द इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर वीएमवेयर। ओके, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। आफ्टर दैट हम कंप्लीट सेटअप चाहते हैं। ओके, तो आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ये वीएमवेयर टूल्स लाइक दैट अनदर सॉफ्टवेयर, जैसे जिस प्रकार से आप इंस्टॉल करते हैं उसी प्रकार से आपको इसको भी इंस्टॉल करना है। कोई इसमें लॉजिक अलग तरीके का कोई लॉजिक नहीं है। एंड यहाँ पर हम ओके, सम अनदर फीचर इज कमिंग। आपको थोड़ा इन फीचर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू करा देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं। ओके, सो एक्चुअली ओके, सो दिस इज होम बटन एंड दिस इज विंडोज 8 माय वर्चुअल मशीन। ओके, सो स्टार्टिंग सर्विसेज। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग सर्विसेज, दिस सर्विसेज इज इंस्टॉलिंग वीएम एक्स नेट एंड पीवीएक्स स्काजी ड्राइवर। सो इन दिस वीएमवेयर टूल्स सम ड्राइवर्स आल्सो इंस्टॉलिंग, वी डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी अदर ड्राइवर। सो इन वीएमवेयर टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉलिंग सम इम्पोर्टेंट ड्राइवर लाइक डेट ऑडियो ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, PS2 माउस ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर ऑल्सो। ओके, वीएमवेयर टूल्स सेटअप। ओके दोस्त, आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीएमवेयर टूल सेटअप ऑलरेडी डन हो गया है। यू हैव न्यू एप्लीकेशन डेट
कैन ओपन वेब पेज। ओके सो हम क्लिक करके ट्राई करते हैं। ओके वी डिफॉल्ट होस्ट एप्लीकेशन वीएमवेयर टूल्स। ओके अपडेटेड। ओके लेट्स चेक। सम अनदर फीचर है जे कमें। ओके प्लीज वेट व्हाइल द सेटअप डिजायर्ड इंस्टॉलेशन वीएमवेयर टूल्स। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट शो होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ओके।